इस कहानी का आगाज होता है हिंदुस्तान के उस भयानक दिन से जब सम्राटों के सम्राट हिंदुस्तान के शेर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने छल कपट से बंदी बना लिया था और उनकी आंखों में गर्म सरिया डालकर उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। रात का समय था, अफगान के गजनी शहर में सारी जनता सो रही थी, तो वहीं कैद खाने में आंखों के जख्म और हाथ पैर में पड़ी लोहे की मोटी बीड़ियों के बावजूद सम्राट पृथ्वीराज चौहान बहुत ध्यान से अपने कैद खाने से बाहर से आ रहे शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने के लिए कि अब उनके राज्य का क्या हाल है, क्योंकि उनके जहन में पत्नी संयोगिता और अपनी जनता का भी ख्याल रह रह कर आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा संयोगिता और हमारी जनता का, एक बार बस कहीं से कोई खबर मिल जाए फिर दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। इतना कहकर पृथ्वीराज चौहान उस कैद खाने की दीवार से सिर टिकाकर बैठ गए और गहरी चिंता में डूब गए। इतने गहरे जख्मों और इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चेहरा शौर्य से दमक रहा था, मानो उन्हें आंखों में मिले इन जख्मों का दर्द महसूस ही ना हो रहा हो। तभी वहां कैद खाने की तरफ किसी के आने की आहट हुई। उस शख्स ने जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जख्मी देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो सम्राट के कैद खाने की सलाखों की तरफ बेचैन कदमों से बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसके कदम सम्राट की तरफ बढ़ रहे थे, सम्राट को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अब वो शख्स उन सलाखों के एकदम करीब आ गया और उसने दस्तक दी। दस्तक करने वाले शख्स ने अपना चेहरा ढक रखा था। वो शख्स अभी सम्राट के और पास पहुंचता कि इतने में सम्राट ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कौन है यहां? जो भी है भूलो मत, मेरी आंखें भले ही ना हो पर मैं अब भी तुम्हें एक पल में मिट्टी में मिला सकता हूं, और हां मैं तुम्हारे सुल्तान की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करने वाला, ये बता दो अपने सुल्तान को। पृथ्वीराज की ये कहते ही वो शख्स अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर उसने एक अलग अंदाज में उनको जवाब दिया, सम्राट ये क्या हाल कर दिया है आपका इस जालिम ने, उसे आपके किए एहसान भी याद न रहे। इतना कहकर जैसे ही वो शख्स चुप हुआ, पृथ्वीराज उस शख्स की आवाज सुनकर एकदम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने कैद खाने में दो तीन कदम बढ़ाते हुए कहा, मित्र चंद ये तुम हो? कहां हो मेरे मित्र, पास आओ मेरे गले लग जाओ। ये शख्स चंद बरदाई था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मित्र और उनका राज कवि। सम्राट की बात सुनते ही चंद बरदाई ने अपना कंबल हटा दिया और जाकर कैद खाने की सलाखों से लिपटकर सम्राट के गले लग गया। उन दोनों के बीच लोहे की सलाखें दीवार बनकर खड़ी थी। तभी सम्राट के मन में ख्याल आया और उन्होंने चंद से कहा, चंद तुम घौरी के कैद खाने में कैसे आए इतनी सुरक्षा के बीच? इस पर चंद ने गर्व से उत्तर दिया, सम्राट आपने घोरी की जंग में एक बार जान बख्शी थी, उसी एहसान के बदले ये एहसान उसने किया है। इतना कहने के बाद चंद ने आगे कहा, सम्राट उस घोरी को आपको कैसे भी मारना होगा और ये आप ही कर सकते हैं। घोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो अब घोरी का सेनापति बन चुका है, वो दिल्ली में डेरा जमाए बैठा है, वो आपके महल में कभी भी प्रवेश कर सकता है। एक बार अगर वो महल में प्रवेश कर गया तो वो दरिंदा महल में मौजूद राजपुतानियों और महारानियों के साथ। चंद इतना कहकर रुक गया। तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गुस्से में चीखते हुए कहा, नहीं मैं अब एक टुकड़े कर दूंगा। सम्राट को गुस्से में देख चंद ने उन्हें संभाला और फिर सम्राट ने चंद से पूछा, चंद तुमने अभी अभी कहा कि मैं मोहम्मद गौरी को मार सकता हूं, पर मैं ये कैसे करूं, मैं तो यहां बंदी बना हुआ हूं। सम्राट की बात सुन चंद ने धीमी आवाज में कहा,
मैंने इस बारे में सब कुछ सोच लिया है। बस आप कल सुबह तैयार रहिएगा सम्राट। कल दिन का समय हम दोनों के लिए बहुत खास होने वाला है। मैं अभी चलता हूं। इतना कहकर चंद और सम्राट उन्हीं सलाखों की दीवार के बीच से गले मिले और फिर चंद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सम्राट कैद खाने में बैठे बैठे अपने मित्र चंद बरदाई की बातों पर गौर करने लगे कि कल का सूरज कौन सी क्रांति लाने वाला है। एक तरफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान अफगान के गजनी शहर के कैद खाने में युद्ध बंदी थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रिय पत्नी संयोगिता अपने पति की सलामती की खबर पाने के लिए बेचैन अपने कक्ष में यहां वहां टहल रही थी। कभी वो खिड़की से बाहर पूरे राज्य की तरफ देखती तो कभी आसमान में चांद को देखकर अपने पति के बारे में सोचती। उन्होंने काफी देर तक सोचने के बाद खुद से कहा, हे सम्राट पृथ्वीराज, आज आप भले ही दुश्मनों के बंदी हैं, मगर आपके शौर्य ने आज ना जाने हिंदुस्तान में कितने और पृथ्वीराज चौहान को पैदा किया है, जिनका रोम रोम आज इस महल को, इस राज्य को, उस घोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक की बुरी नजर से बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है। ये कहते हुए महारानी संयोगिता ने अपने बगल में रखी तलवार को उठा लिया और तलवार की धार को अपने अंगूठे से लगा दिया, जिससे उनके अंगूठे से रक्त टपकने लगा। अब अपने रक्त की बूंद अपनी मांग में लगाते हुए गर्व से कहा, ये खून नहीं आपके शौर्य का निशान है, जिसके आगे कोई दुश्मन न टिके वही पृथ्वीराज चौहान है। तभी एक सेविका भागती हुई उनके कक्ष में आई। महारानी साहब, उसने इतना ही कहा था कि तभी संयोगिता उसकी तरफ मुड़ी और उन्होंने देखा कि सामने खड़ी सेविका काफी चिंतित दिखाई दे रही है। उसके चेहरे के भाव को देखते हुए महारानी संयोगिता ने पूछा, क्या बात है, सब कुशल तो है? उनकी बात सुन घबराई हुई सेविका बोली, अफगान के गजनी शहर से खबर आई है महाराज के बारे में। अब उस सेविका ने अपनी नजरें झुका ली और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। सेविका के चेहरे पर उभरे डर को देखकर महारानी संयोगिता उसके पास आई और उन्होंने कहा, डरो मत, जो भी है बेखौफ होकर बोलो, भूलो मत कि तुम पृथ्वीराज चौहान की महल की सेविका हो। अपनी महारानी संयोगिता से हिम्मत पाकर सेविका ने तुरंत ही कहा, जी महारानी साहब, खबर आई है कि उस घोरी ने महाराज साहब की दोनों आंखें छीन ली। सेविका के इतना कहते ही मानो संयोगिता का दिल कांप उठा। चारों तरफ माहौल एकदम शांत हो गया। एक पल के लिए महारानी संयोगिता की आंखें नम हो गई, पर अगले ही पल उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर एक अभिमान के भाव लाते हुए कहा, घोरी सुल्तान नहीं मूर्ख है मूर्ख, उसने सम्राट की आंखों की रोशनी नहीं छीनी है, बल्कि अपनी जिंदगी में अंधकार को निमंत्रण दिया है। ये कहते कहते महारानी संयोगिता गुस्से की आग में दहक उठी और फिर उन्होंने हाथ में ली उस तलवार की धार को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जिससे उनकी हथेली से खून की धारा बहने लगी। सेविका ने जैसे ही ये देखा तो वो कुछ कहने को हुई, पर तभी संयोगिता ने हाथ से उसे रोकते हुए कहा, वीना, जाओ, महल में जितनी भी स्त्रियां हैं और महाराज की अन्य रानियां हैं, उन सभी को सभा भवन में इकट्ठा करो, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, एक बार घोरी जब राजा को पराजित कर देता है, उसके बाद उसकी बुरी नजर उनकी रानियों पर और महल की स्त्रियों पर होती है, जिसके साथ वो पाप करता है, और इसलिए शायद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक इस महल पर नजर टिकाए बैठा है। पर हम भी राजपूतों का खून है, हम किसी को भी इन पापी इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। कहते कहते महारानी संयोगिता रौद्र रूप में आ गई। उनके इस रूप को देख सेविका बाकी सबको उनका संदेश देने चली गई। एक तरफ दिल्ली के महल में महारानी संयोगिता ने अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ गजनी के सुल्तान मोहम्मद घौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के इसी महल की तरफ नापाक इरादों से बढ़ा चला रहा था। उसकी फौज महल की तरफ बढ़ रही थी। इस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे और अंधेरे में भी उसकी फौज का साया पृथ्वीराज के दिल्ली के महल पर पड़ रहा था। तभी ऐबक के खास गुलाम ने कुतुबुद्दीन से अपने मन की बात कही, सूरज उगने से पहले ही हम रात में ऐसा हमला करने जा रहे हैं, क्या ये सही है? ये सुनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक गुस्से से दहक उठा
उसने अपने गुलाम की तरफ देखते हुए कहा, सही गलत न्याय अन्याय में नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे पृथ्वीराज चौहान की पत्नी अपने हरम में चाहिए हर हाल में। जी जहांपनाह, मैं अच्छे से समझ गया, गुलाम ने जवाब दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सैनिकों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, सिपाहियों हमला करो महल पर, यही सही वक्त है। ये सुनते ही सारे सैनिक हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ने लगे। कुतुबुद्दीन और उसकी फौज सम्राट पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में दिल्ली के महल की तरफ जोरों शोरों से बढ़ रही थी। अभी कुतुबुद्दीन के सारे सैनिक जो पूरे जोश में महल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो एकाएक रुक गए। उनको ऐसा रुकता देख कुतुबुद्दीन जो सेना के बीच में था, उसने घोड़े को रोकते हुए पूछा, तुम सब रुक क्यों गए? सामने जो भी आए कुचल डालो उसे, मगर रुकना नहीं। तभी कुतुबुद्दीन के पास उसका सेनापति आया और बोला, पर हम कैसे हमला करें? ये सामने इतनी बड़ी खाई है, हम इसे कैसे पार करें? उस आदमी की बात सुनते ही कुतुबुद्दीन ने किले से पहले पड़ने वाली खाई का मुआयना किया। खाई काफी गहरी थी और उसे ऐसे ही पार नहीं किया जा सकता था। खाई को अपनी मंजिल के बीच आते देख कुतुबुद्दीन ऐबक गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने चारों तरफ देखा। उसे अपने सामने खाई दिखाई दी और अपने चारों ओर अपने सैनिक और उनके अलावा उसे दिखाई दिए युद्ध में बंदी किए गए सैकड़ों हिंदू राजपूत मर्द और औरतें। ये देखकर ऐबक अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। आखिर क्या आया ऐबक की शैतानी दिमाग में युद्ध में बंदी हिंदू मर्द और औरतों को देखकर, और कैसे करेगा ऐबक इस खाई को पार?